हेलो डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, तो देखो हमारा यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीन हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट में ठीक है 6 लेक्चर हो चुके थे। ठीक है, अब 6 के बाद नेक्स्ट लेक्चर, और हम कहाँ तक उसमें पढ़ चुके थे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था इम्पैक्ट ऑफ जेट। ठीक है बेटा, इम्पैक्ट ऑफ जेट चैप्टर में हमारा कुछ टॉपिक्स कवर हो गए थे, जिसमें हमने देखा था कि कभी भी कोई जेट किसी फ्लैट प्लेट पे, स्टेशनरी फ्लैट प्लेट पे अगर स्ट्राइक करता है तो कितना फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, कर्व प्लेट पे, इंक्लाइंड प्लेट पे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा मूविंग प्लेट पर बेटा। ठीक है, कि मूविंग प्लेट पर, किसी मूविंग फ्लैट प्लेट पर अगर जेट स्ट्राइक करता है तो कितना फोर्स अप्लाई करेगा, कितना वर्क डन करेगा। इसी में आप क्या, आपने देखा होगा टर्बाइन का भी। ठीक है, तो उसका डायग्राम, तो टर्बाइन में आपने देखा होगा कि जनरली फ्लैट प्लेट ना यूज करके क्या यूज किया जाता है, कर्व्ड प्लेट्स जनरली। ठीक है, वेन यूज किए जाते हैं, वेन। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि उस वेन के टिप पे या सेंटर पे अगर वाटर हिट करता है, ठीक है, तो कितना फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है बेटा, तो जैसे देखो ये नेक्स्ट केस है, व्हेन जेट स्ट्राइक्स एट टिप ऑफ मूविंग वेन। तो बेटा हम ये क्या करते हैं, एक पहले वेन एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक वेन एज्यूम कर लिया। अब आपको पहले ही मैंने बता दिया कि अगर टिप पे, ठीक है, टिप पर अगर वाटर हिट करता है तो वेन हमारा सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है बेटा। तो ये वेन है, ठीक है, और ये वेन है बेटा। अब हमारा क्या, वाटर क्या कर रहा है, इस पे हिट कर रहा है, तो मान लो टिप पर। अब कोई यार जेट है, हमने ये कंज्यूम कर लिया कि ये कोई नोजल है। ठीक है, ये कोई नोजल है बेटा, और इस नोजल से ये जो वाटर है, ठीक है, एज्यूम कर लिया ये नोजल है, और इस नोजल से ये जो जेट है वो इस तरीके से इस पे हिट कर रहा है किसी एंगल पे। ठीक है बेटा, ये नोजल है और ये नोजल इस पे क्या कर रहा है, किसी एंगल पे ऐसे हिट कर रहा है। तो अब बात ये है कि अगर इस एंगल पे, किसी एंगल पे मान लो, इसका एंगल कुछ भी मान लेते हैं कि ये कोई नोजल है, और ये नोजल इस पे किस एंगल पे बेटा हिट कर रहा है, इसके साथ अल्फा एंगल पे इस पे हिट कर रहा है। तो अब ध्यान ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये नोजल इस पे अल्फा एंगल पे हिट करेगा तो ये क्या करेगा, जेट इस पे फोर्स लगाएगा। जेट भी मान लिया हमने बेटा, जो वेलोसिटी है वो क्या है, v1 वेलोसिटी से जेट हिट कर रहा है। ठीक है, अब जेट क्या करेगा बेटा, इस पे फोर्स लगाएगा, और जेट फोर्स लगाएगा उसकी वजह से क्या करेगा बेटा, ये जो वेन है वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो हमने मान लिया कि जो जेट मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी, ठीक है, इस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या, यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है जेट, सॉरी वेन। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि जेट कुछ इस तरीके से है, और जेट इस तरीके से है, तो यहां हमारा सॉरी वेन इस तरीके से है, जेट इस जगह पे अल्फा एंगल पे क्या कर रहा है बेटा, हिट कर रहा है। तो यहां जो नया टर्म आया है अल्फा, तो यार अल्फा इधर क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ नोजल, एंगल ऑफ नोजल। ठीक है, एंगल ऑफ नोजल। और दूसरा क्या है, दूसरा हमने क्या यूज किया अभी, v1, तो v1 आप जानते हो बेटा, ये लिख देंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एंट्री। ठीक है, एंट्री में जो v1 है वो क्या है बेटा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। जो जो टर्म आते जाएंगे हम देखते चलेंगे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एंट्री। अब देखो जहां एंट्री पॉइंट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, पॉइंट 1। और जो है अब यहां से वाटर देखो बेटा ऐसे हिट करेगा, ठीक है, ओके, यहां नहीं लिखते बेटा, क्योंकि हमें उस जगह का इस यूज करना पड़ेगा यहाँ पे वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने के लिए। ठीक है, तो इस जगह को थोड़ा सा भी बचा के रखते हैं, यहां लिखते हैं इसको अल्फा इज द एंगल ऑफ नोजल। कभी भी अगर आपको अल्फा दिया है तो जनरली याद रखना ये नोजल एंगल होता है। ठीक है, और हमारा भी यहाँ पे टर्म क्या है, v1 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट एंट्री। ठीक है बच्चे, अब देखो जेट में बात कर रहा था कि जैसे कोई नोजल है, वो जेट है किसी अल्फा एंगल पे, इस पे हिट किया, जेट ने फोर्स लगाया, और ये क्या करेगा बेटा, ऐसे मूव करने लगा, वेन फिक्स नहीं है। ठीक है, तो वेन कुछ इस तरीके से बेटा, ऐसे जेट आया, जेट ने फोर्स लगाया, वेन मूव करने लगा। अब देखो वेन की यहां जो मैंने दिखाया सर, ये इस जगह पे वेलोसिटी यू है, तो जरा बेटा इस पॉइंट की बात करूं, ये एंट्री पॉइंट है, और यहां से वाटर ऐसे फ्लो करके ऐसे एग्जिट करेगा, तो दिस इज द एग्जिट पॉइंट,
और ये क्या है हमारा बेटा एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। तो ये एग्जिट पॉइंट है, तो एग्जिट पॉइंट है, तो आप ध्यान दो कि इस एंट्री और एग्जिट पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो मूविंग व्हील की एंट्री और एग्जिट पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये यू से यहां मूव कर रहा है, तो मैंने कहा मान लिया कि इस एंट्री पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है यू वन, और एग्जिट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है यू टू। और आप देख सकते हो बेटा कि अगर ये पॉइंट ऐसे यू से मूव करेगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों किससे मूव करेंगे, यू से मूव करेंगे, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट पर, ठीक है। चलिए बेटा अब लेकिन आपने अब देखो हो क्या रहा है कि जेट ऐसे आ रहा है, जेट ऐसे है, ऐसे जा रहा है वेल ये, तो जैसे ही जेट ये वेल क्या कर रहा है जेट इस पे हिट कर रहा है और वेल भी यहां पे क्या कर रहा है बेटा ऐसे मूव कर रहा है, जेट ऐसे और वेल ऐसे क्या कर रहा है बेटा मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब बात क्या है कि लेकिन अब ध्यान दो कि जब ये मूव करेगा और ये क्या कर रहा है ये ऐसे जेट जा रहा है ये मूव कर रहा है, तो क्या है कि बेटा शॉकलेस एंट्री के लिए, ठीक है, कि इस पे इंपैक्ट ना आए, शॉकलेस एंट्री के लिए जो हमारा वेलोसिटी, आप ऐसे समझ लो आप कि ये तो v1 वेलोसिटी है और यहां पे जो जेट ये पॉइंट है वो u1 वेलोसिटी से जा रहा है, तो पॉइंट है u1 वेलोसिटी से जा रहा है। और अगर आप देखोगे कि ऑब्जर्वर अगर आप इस पे बैठ जाओ प्लेट पे तो आपको क्या दिखेगा बेटा कि ये जो वाटर आ रहा है वो किस वेलोसिटी से आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी से, रिलेटिव वेलोसिटी जाएगा। लेकिन आप क्या डायरेक्शन बनाई है बेटा रिलेटिव वेलोसिटी की, तो ये आपको पहले से पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी या जो भी, ठीक है, एंट्री होनी चाहिए मूविंग व्हील पे, व्हील पे वो कैसी होनी चाहिए, स्मूथ एंट्री होनी चाहिए, ठीक है, जेट की। तो फॉर स्मूथ एंट्री इन दोनों का जो रिजल्टेंट आप देखोगे, रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आएगी, ठीक है, तो इस यू को आप यू वन को यहां बना दो वेक्टर, चलो बाद में बात करते हैं। तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटा स्मूथ एंट्री के लिए, इसके टेंजेंशियल होनी चाहिए, टेंजेंशियल कैसे पता चलेगा, इस पे हमने क्या खींचा, एक टेंजेंट खींचो टिप पर, टेंजेंट खींचो टिप पर, जो एंट्री पॉइंट की टिप पर जो टेंजेंट होती है उसके एंगल को क्या नाम देते हैं हम, थीटा। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी हो, रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा, इस टेंजेंशियल टू द ब्लेड। अब बात करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी देखो कैसे आप यहां दिखाओगे, तो ये होगी v1 और इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंट्री पॉइंट पर अगर मैं बात करूं और कौन सी वेलोसिटी है, एक ये u1, तो इसके मैग्नीट्यूड को यहां बना दो तो ये क्या हो गया बेटा मान लो u1, ठीक है, ये है u1। और अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट, क्योंकि ये तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो इनको इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आप सीधे ये नहीं कह सकते कि वी आर वन हेयर, ठीक है, इस जगह पे आप ये नहीं कह सकते बेटा कि रिलेटिव वेलोसिटी एट पॉइंट वन या एंट्री पॉइंट इक्वल्स टू वी वन माइनस यू वन, क्योंकि जो यू वन है वी वन है इन सब की डायरेक्शन क्या है बेटा अलग अलग है, तो कोलिनियर वेक्टर नहीं है ये, अगर कोलिनियर वेक्टर होते तो हम क्या क्या कहते थे वी आर वन इक्वल्स टू वी वन माइनस यू वन, जैसा कि इन लास्ट केस में था, ठीक है, इन केस ऑफ फ्लैट प्लेट, मूविंग फ्लैट प्लेट, वी वन वी आर वन और यू वन, ठीक है, ऑल आर कोलिनियर वेक्टर, और कह सकते हो ऑल आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, सो वी कैन से दैट वी आर वन इक्वल टू वी वन माइनस यू वन, इसलिए तीनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम क्या कह सकते हैं बेटा कि वी आर वन इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वन माइनस यू वन, बट इन दिस केस वी कैन नॉट कंक्लूड दैट, या वी कैन नॉट से वी आर वन इक्वल टू वी वन माइनस यू वन, तो यहां कह सकते हो कि हेयर VR1 is not equals to V1 minus U1, क्या आएगा वो अलग बात है, ठीक है, कैसे निकालेंगे वो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये इसके बराबर ऐसे नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया बेटा उसी की टेंजेंशियल डायरेक्शन में चला गया, ये क्या है हमारा VR1, ठीक है, टेंजेंशियल टू द प्लेट, टेंजेंशियल टू द व्हील, ठीक है बेटा VR1, दिस इज द VR1, और इसका ये एंगल क्या होगा, वही एंगल है थीटा, इस हॉरिजॉन्टल से बेटा ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा, तो यहां जो एक थीटा आया ये क्या है थीटा बेटा क्या है इस जगह पे, ठीक है, ये तो याद रखना वेन की एंट्री पॉइंट ऑफ वेलोसिटी, वेन की एग्जिट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी, और उसको हमने कह दिया जनरल इस सेंटर पे वेलोसिटी, ठीक है, इस जगह वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन, थीटा क्या है बेटा वेन एंगल एट, या पहले से पता है वेन एंगल एट एंट्री, एंट्री पॉइंट पर जो वेन एंगल होता है वो क्या है हमारा थीटा, ठीक है। चलिए
अब क्या करेगा बेटा कि और हमने ये क्यों रखी टेंजेंशियल फॉर शॉकलेस फॉर स्मूथ एंट्री। स्मूथ एंट्री के लिए जो वी आर वन की डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए बेटा, टेंजेंशियल टू द वेन। अब क्या करेगा बेटा, वेन ऐसे वॉटर इस पे एंट्री करेगा, आप इसमें बैठे तो आपको लगेगा कि वी आर वन वेलोसिटी से वॉटर आया और वी आर वन वेलोसिटी से वॉटर आएगा, फिर क्या करेगा बेटा ये वेन इसमें फोर्स लगाएगा और वेन फोर्स लगाएगा मोमेंटम चेंज होगा, एक्सटर्नल फोर्स आएगा तो मोमेंटम चेंज होगा, तो वेन क्या करेगा बेटा कुछ इस तरीके से मूव करते हुए इस पर, ठीक है, इस तरीके से मूव करते हुए और यहां से क्या करेगा एग्जिट से बाहर निकलेगा। एग्जिट से जब बाहर निकलेगा इस पर मूव करने के बाद तो मान लो बेटा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है वी आर टू। इस जगह पे बच्चे जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है बेटा वी आर टू, ठीक है, एग्जिट पे वेलोसिटी क्या है बेटा वी आर टू। और मैं अगर एग्जिट पे वेलोसिटी की बात करूं तो और क्या वेलोसिटी है मेरी, अब देखो यहाँ पे वी वन बराबर ये कौन सा वेक्टर है, ऐसे कह सकते हो यहाँ इस एरो को ना लगा के ये एरो यहाँ लगा लो और ये क्या है यू वन, ठीक है, या यू। अब देखो और क्या है बेटा एग्जिट पे और क्या है, देखो ये तो रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, ये क्या है क्योंकि फॉर स्मूथ एंट्री एंड एग्जिट वी आर वन एंड वी आर टू बोथ शुड बी, उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटा टेंजेंशियल टू द ब्लेड, ब्लेड की क्या होनी चाहिए बेटा डायरेक्शन एकदम टेंजेंशियल। तो एग्जिट पे हमें कैसे पता चलेगा कि ब्लेड के टेंजेंशियल डायरेक्शन, तो आप इस पे क्या करो एक टेंजेंट खींचो एग्जिट पॉइंट पे और ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी उसको हम जानते हैं क्या कहते हैं बेटा फाई, फाई मतलब वेन एंगल एट एग्जिट, फाई क्या है बेटा वेन एंगल एट एग्जिट, ये बार बार ये टर्म यूज होंगे तो इसको याद रखना है यही सब, ठीक है, ट्रायंगल वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने में यूज होता है वेन एंगल एट एग्जिट। तो ये वी आर टू की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी बेटा इसी, ठीक है, वी आर टू की जो डायरेक्शन होगी वो इसके इसी के डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ये हो गया वी आर टू। और क्या होगा बेटा टिप पर और कौन सी वेलोसिटी होगी, तो आप ठीक है ध्यान देने वाली बात ये है बेटा कि टिप पर और क्या है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वेन की, देखो वाटर इस पर मूव करने के बाद वाटर की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है मान लो टिप पर रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन, लेकिन बेटा टिप पर हमें क्या दिख रहा है ये इसकी वेन की वेलोसिटी भी है इस डायरेक्शन में, तो मैं उस वेक्टर को अगर यहाँ बना दूं, ठीक है, अभी मैं उसको मिटाऊंगा बेटा तो वो अभी यहाँ जरूरत नहीं है, तो मान लो इसी वेक्टर के बराबर बनाना पड़ेगा और सेम डायरेक्शन में, क्योंकि यू वन बराबर क्या है बेटा यू टू, तो ये है यू टू। कभी आपने देखा है कि वेक्टर को जब भी ड्रॉ करना है तो हम वेक्टर्स को क्या करते हैं बेटा सेम उसी के पैरेलल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको यहां से हटा के वेक्टर को अगर मैं यहां ड्रॉ करूं इस जगह पे तो यार यू वन और ये यू टू, ये यू वन यू टू दोनों बराबर है, डायरेक्शन दोनों की क्या है हॉरिजॉन्टल, तो मैंने सेम इसके बराबर ये, ठीक है, इसके बराबर ये ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा बनेगा डायग्राम तो समझ में थोड़ा दिक्कत होगा इसलिए मैं यहाँ ये बना देता हूँ, ठीक है, तो बेटा इसी के बराबर ये U1 मैंने U2 क्या कर दिया यहाँ पे उसी के डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिए, दिस इज द U2, ठीक है, चाहे यहाँ ड्रॉ करो वेक्टर को, वेक्टर क्वालिटी है, चाहे यहाँ ड्रॉ करो, ठीक है, उसी के पैरल सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड U1 के बराबर। अब बात आती है बेटा अब देखो वेन एंगल एट एग्जिट है, यहाँ वेन एंगल ये फाई है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा फाई, तो ये एंगल इस क्या होता है बेटा ये फाई, याद रखना वेन एंगल एट फाई रिलेटिव वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ जो एंगल है या कह सकते हो आप कि एग्जिट पे जो वेन एंगल है, ठीक है। अब जरा आप ये बताओ देखो वॉटर की रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है लेकिन वॉटर यहाँ पे टिप पे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो इन दोनों की जो रिजल्टेंट या कह सकते हो कि वाटर जिस वेलोसिटी के साथ अगर आप ग्राउंड पे बैठे हो तो आपको दिखेगा कि वाटर जिस वेलोसिटी का आप क्या देखते हो बेटा कि वाटर जिस वेलोसिटी के साथ इस पॉइंट को छोड़ता है वो वी आर टू नहीं है, क्योंकि आपको क्या दिखेंगे फिर एब्सोल्यूट चीजें दिखेंगी जब आप ग्राउंड पे हो, ठीक है। तो मान लो बेटा कि जो तो हमने अज्यूम किया कि वाटर जिस वेलोसिटी के साथ इस पॉइंट को छोड़ रहा है एग्जिट को, उस जगह पे जो हमारी वेलोसिटी है वो इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए और इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा ये देखो इनका रिजल्टेंट हो गया ये, तो ये वेलोसिटी हमारी क्या होगी कि वाटर जिस वेलोसिटी के साथ एग्जिट को छोड़ रहा है, और आप ये भी कह सकते हो कि बेटा एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट, ठीक है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट एग्जिट, ठीक है, तो यहां पे क्या आया और देखो ये
और ये वाटर जिस इसके साथ जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है, या ये कह सकते हो कि वाटर जिस एंगल पर वेन को वेन पे एग्जिट करता है, वाटर जिस एंगल के साथ एग्जिट करता है वो एंगल क्या है बेटा हमारा, बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीटा है, अल्फा आपने देख लिया बेटा, थीटा देख लिया, फाई देख लिया, बीटा है, बीटा क्या है बेटा, एंगल एट विच वॉटर लीव्स, एंगल एट विच वॉटर लीव्स एग्जिट, या वॉटर लीव्स वेन। ठीक है, वेन पर जिस एंगल के साथ, वेन को जिस एंगल के साथ वॉटर छोड़ता है वो क्या है, बीटा। और v2 टू इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट एग्जिट। v2 क्या है बेटा यहां पे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एग्जिट, जेट लगा लेना आप एट एग्जिट, ठीक है याद रखना जेट का ही है। और क्या है बेटा, vr1 vr2, तो इनको भी लिख लीजिए। vr1 क्या है यहां पे हमारा, vr1 रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी एट ऑफ जेट कह सकते हो, ऑफ जेट एट एंट्री, ठीक है बेटा vr1। और vr2 क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है, जेट की है ये सब, रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव शॉर्ट में लिख दिया वेलोसिटी एट एग्जिट, ठीक है, एग्जिट पर रिलेटिव वेलोसिटी। और मैंने अल्फा थीटा फाई बीटा, ठीक है, क्योंकि देखो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चल के आप जब टरबाइन और पंप पढ़ते हो, फ्रांसिस टरबाइन वगैरह, तो जहां भी टेंजेंशियल फ्लो होता है तो इसी तरीके से टिप पे फ्लो होता है, ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन में। तो आप क्या देखोगे बेटा, ये आपको बार बार एंगल बना, ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, जितने न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे वो इसी ट्रायंगल की हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब फिर से एक बार इसको देख लो, हुआ क्या था कि एक वेन था कर्व्ड वेन, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से दिखा देता हूं, ठीक है, जैसे ये देखो, दिस इज द कर्व्ड वेन, दिस इज द जेट, ठीक है, तो ये जेट ऐसे आ रहा है बेटा, इस किसी अल्फा एंगल पे इससे ऐसे टकरा रहा है हॉरिजॉन्टल से। अब जेट की वजह, जेट ने इस पे फोर्स लगाया तो वेन चलने लगा, तो वेन अब हो क्या रहा है देखो ध्यान से, कि ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे जेट भी आ रहा है और वेन भी ऐसे चला जा रहा है, ठीक है, तो वेन भी मूव कर रहा है, जेट भी ऐसे मूव कर रहा है, तो बेटा हमें क्या है, फॉर स्मूथ एंट्री, ठीक है, फॉर स्मूथ एंट्री के लिए, वो जेट की स्मूथ एंट्री के लिए जो वी आर वन है, क्योंकि देखो जेट इसकी भी वेलोसिटी है, इसकी भी वेलोसिटी है, तो इस पे जो रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी, ठीक है, जिस वेलोसिटी के साथ वाटर इसको हिट करेगा बेटा, ठीक है, वो वी वन नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसकी भी वेलोसिटी है, इसकी भी, जेट की भी वेलोसिटी है, तो जिस वेलोसिटी के साथ वाटर इसको हिट करेगा वो क्या होगी, वी आर वन। तो VR1 की जो डायरेक्शन है, जो हिट करने वाली डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, फॉर स्मूथ एंट्री के लिए क्या होनी चाहिए बेटा, टेंजेंशियल होनी चाहिए, टेंजेंशियल टू द ब्लेड, और टेंजेंशियल के लिए हमने क्या किया, एक टेंजेंट टिप पे ड्रॉ की बेटा, और टिप पे टेंजेंट ड्रॉ की, उस जो एंगल बना ली हॉरिजॉन्टल उसी एंगल पे हम क्या कर दो, VR1 को यहां पे हिट करा दो, ठीक है, तो टेंजेंशियल। अब क्या करेगा, वॉटर इस पे ऐसे फ्लो करेगा, वॉटर फ्लो करेगा तो जिस वेलोसिटी के साथ एग्जिट करता है वो VR2, स्मूथ एग्जिट के लिए भी क्या होने चाहिए, ये भी टेंजेंशियल होने चाहिए, तो टेंजेंशियल कैसे, उसमें मैंने टेंजेंट ड्रॉ की और वहां से क्या बना दिया बेटा, उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या है, फाई, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं, आप देखो वाटर ऐसे आया, ऐसे मान लो रिलेटिवली स्पेस मूव किया, तो हमारा जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना, कितने एंगल से डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इसको कहते हैं डेल्टा। हेयर डेल्टा का मान आप खुद ही बता दो कितना हो जाएगा बेटा, 180 की ये पूरी, देखो ये पूरा एंगल 180, उसमें से ये घटा दो, ये घटा दो, तो 180 माइनस थीटा प्लस फाई, हेयर डेविएशन एंगल, हेयर डेल्टा इज द डेविएशन एंगल, डेल्टा इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और वी कैन से दैट इट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ कि जैसे जब वॉटर ऐसे आ रहा है, वॉटर इसमें फोर्स लगाएगा, वॉटर फोर्स लगाएगा, ठीक है, अब वॉटर इस पे ऐसे हिट किया, जेट इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, जेट फोर्स लगाएगा तो मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा, मीन्स वॉटर यहाँ पे मास फ्लो, जो भी हमारी मास फ्लो रेट आ रही, मैंने एज्यूम कर ली मास फ्लो रेट क्या है, एम डॉट, ठीक है, तो एम डॉट मास फ्लो रेट है वो अभी, ठीक है, जो भी हम ये एज्यूम कर लेंगे जो इस पे पहुंच रही है वेन पे, वो मास फ्लो रेट क्या है, एम डॉट, अभी बात करते हैं कितनी होगी एम डॉट।
तो बेटा क्या है कि ये बॉल डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होकर एग्जिट से ऐसे बाहर जाएगा, ठीक है। लेकिन एग्जिट पे ये भी वेलोसिटी है, एक तो रिलेटिव वेलोसिटी और ये वेव की वेलोसिटी है। इस वजह से जिस वेलोसिटी के साथ यहां से वाटर की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, v2, और किस एंगल पे वो यहां से लीव करता है बेटा, वो बीटा, ठीक है। तो याद रखना इस तरीके से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। जब भी जेट किसी मूविंग प्लेट पर क्या करेगा, जेट किसी कर्व्ड वेल या कर्व्ड प्लेट पर टिप पर हिट करेगा तो इस तरीके से क्या बनेंगे बेटा, वेलोसिटी ट्रायंगल। अब देखो हमें क्या निकालना है बेटा, फोर्स एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स निकालना है। तो फिर वही बात है कि आप कहां बैठ के इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, कैलकुलेशंस वगैरह, आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या ले रहे हो, ब्लेड पे बैठे हो या फिर ग्राउंड पे बैठे हो। तो ग्राउंड पे बैठे हो तो आपको सारी जो इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी वो किसके टर्म में हम लिखेंगे बेटा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमें दिखेगी, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ना देख के। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी दिखेगी, तो अगर एक्स डायरेक्शन में मुझे फोर्स निकालना है तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में एंगल चाहिए, वो सही कंपोनेंट, और वाई डायरेक्शन में निकालना है तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी का किस डायरेक्शन में चाहिए बेटा, एग्जिट पे भी, ठीक है, एग्जिट और एंट्री दोनों पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में। तो यहां ध्यान दो कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी का फोर्स निकालने के लिए अगर मैं दो कंपोनेंट लूं, एक तो एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, कंपोनेंट ऑफ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, ये ध्यान दो, ये आ जाएगा बेटा यहां से लेके यहां तक ये पूरा, और इसी को बोला जाता है बेटा ये VW1, एक नया नोटेशन जिसको बोला जाता है व्रिल वेलोसिटी, ठीक है, व्रिल वेलोसिटी एट एंट्री। क्या सिग्निफिकेंस है व्रिल वेलोसिटी का, जब मैं टेंजेंशियल रनर पढ़ाऊंगा आपको, टेंजेंशियल फ्लो रनर पढ़ाऊंगा, तो वहां डिक्टेट करेंगे व्हाट इज द VW1 एंड VF1, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्रिल वेलोसिटी एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। और देखो इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, इसको हमने कह दिया VF1 से डिनोट कर दिया ये होगा, और इसको डिनोट कैसे कर दिया VF1। तो ये VF1 इज नोन एज अ फ्लो वेलोसिटी, तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेल वेलोसिटी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लो वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। तो दिस सिग्निफिकेंस इज डिक्टेटेड इन डिटेल टेंजेंशियल फ्लो रनर और इन केस ऑफ रनर, ठीक है। बट यहां पे हमें बेटा कहने का मतलब ये है कि जो रेल वेलोसिटी क्या है, फ्लो वेलोसिटी क्या होती है, इसको हम डिटेल में जब रनर पढ़ाएंगे तब आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो यहां पे अभी मैं लिख देता हूं कि VW1 ये होता क्या है बेटा, कंपोनेंट ऑफ VW1 क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल, ऐसे देखो इसका नाम क्या है, व्रिल वेलोसिटी एट एंट्री। कैसे निकालोगे बेटा, ये आएगा कैसे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, ये सब चीजें बस समझ जाओगे ना तो फिर कुछ नहीं बचता है इसमें, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अगर आपने ट्रायंगल बना लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। मैं VW1 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, एग्जिट पे लिख दो, VW2 की बात करोगे तो कहां लिख दोगे, एंट्री पे। अब देखो जैसे इसकी मैं बात करूंगा तो क्या आएगा, ये वाला, ये इसको ऐसे मिला दो इससे, तो ये वाला जो यहां से यहां तक का जो आ रहा है ये क्या हो जाएगा बेटा, VW2 इस डायरेक्शन में, भाई डायरेक्शन क्या होगी, V2 का जो डायरेक्शन में आ रहा है, देखो जैसे इसका ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा बेटा यहां से यहां तक V2 का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा VF2, ठीक है बेटा। तो फ्लो वेलोसिटी क्या होती है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी, और व्रिल वेलोसिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी। वन लगाए एग्जिट लगा दो एग्जिट पे, सॉरी एंट्री पे, और टू लगाए क्या लगा दो, एंट्री एग्जिट लगा दो, ठीक है। और VF1 इज अ फ्लो वेलोसिटी, VF1 क्या है, फ्लो वेलोसिटी एट, इसका नाम होता है फ्लो वेलोसिटी एट एंट्री, ठीक है बेटा। ये वन लगा इसलिए एंट्री लगा दिया। फ्लो वेलोसिटी होती क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है बेटा, फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरीके से VW2 और VF2 की मैं बात करूंगा तो याद रखना वो क्या है, व्रिल वेलोसिटी एट एंट्री, और VF2 क्या है, फ्लो वेलोसिटी एट
एग्जिट, टू जहां भी आएगा एग्जिट एग्जिट और वन आएगा वहां पे एंट्री। तो हियर वी डब्ल्यू टू इक्वल्स टू व्रिल वेलोसिटी, ठीक है, व्रिल वेलोसिटी एट एट एग्जिट, ठीक है, और वी एफ टू क्या है बेटा, व्रिल फ्लो वेलोसिटी एट एग्जिट, फ्लो वेलोसिटी एट एग्जिट, ठीक है, इस चीज का याद रखना। कहने का मतलब कि सिंपल सा मैं दो तीन बार उसको एक्सप्लेन कर दिया हूं, जेट आया, जेट स्पेस ट्राई किया, ये मूव करने लगा, मूव करने लगा, तो आप अगर इस पर बैठे हो तो आप जो कहने का मतलब वाटर जिस वेलोसिटी के साथ इस पर हिट करेगा वो वेलोसिटी वी वन ना होगी, क्या होगी बेटा वी आर वन, ठीक है। तो वी आर वन अब डायरेक्शन क्या होने चाहिए, टेंजेंशियल टू द ब्लेड, टेंजेंशियल टू द वेन फॉर स्मूथ एंट्री या सॉकलेस एंट्री। तो कैसे पता चलेगा, टेंजेंशियल के टेंजेंशियल की डायरेक्शन क्या होगी, तो टिप पे एक टेंजेंट खींचो और टेंजेंट क्या बना रही, थीटा एंगल, तो हमने वही एंगल यहां कह दिया इसी को, या तो ऐसे कह सकते हो एंगल ऑफ टेंजेंट एट एंट्री थीटा को, या क्या पढ़ सकते हो बेटा वेन एंगल एट एंट्री, ठीक है। इसमें फ्लो किया, इसकी ये वेलोसिटी हो गई, इस एग्जिट पे जाते जाते वेलोसिटी क्या होगी बेटा वी आर टू, स्मूथ एग्जिट के लिए डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, टेंजेंशियल टू द वेन, तो टेंजेंशियल कैसे पता, टेंजेंट खींचा, हॉरिजॉन्टल एंगल कितना बना रहा है फाइव, दिस इज द इनिशियल, दिस इज द एंट्री हिट डायरेक्शन ऑफ द जेट एंड दिस इज द एग्जिट डायरेक्शन ऑफ द जेट, सो वी कैन से दैट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन इज द डेल्टा, एंड हियर डेल्टा इज द 180 माइनस थीटा प्लस 5, ओके डियर, ठीक है। नाउ वी कैन कंपोनेंट वी वन, वी कैन टेक कंपोनेंट ऑफ वी वन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वी वन इज द व्रिल वेलोसिटी एट एंट्री एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वी वन इज नोन एज द फ्लो वेलोसिटी। कहने का मतलब बेटा अब मुझे क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, ये हमारा ट्रायंगल बन गया, फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में, तो फोर्स एक्स और वाई डायरेक्शन में कैसे आएंगे, जब मैं मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाऊंगा एक्स और वाई डायरेक्शन में। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, एक्स और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए। तो अगर आपका ऑब्जर्वर, अगर आप ऑब्जर्वर यहां बैठ के, मैंने कहा था कि जो जितना भी कैलकुलेशन आप करोगे, तो अगर आपने एक चीज पढ़ी है उस पर बैठ के, ग्राउंड पे बैठ के आप इक्वेशन लिख रहे हो, तो आप सबको फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या मानोगे बेटा, ग्राउंड। तो सारे केसेस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप ग्राउंड मान के सॉल्व करो, ठीक है। तो अगर आप ग्राउंड पे हो तो आपको बेटा इस ये मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम दिखेगा आपको, ठीक है, मतलब ये वेलोसिटी दिखेगी, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे काम का है एफ एक्स के लिए, और ये वाई डायरेक्शन ये एफ वाई के लिए वी एफ वन काम का है, ठीक है। इसी तरीके से यहां मैंने कंपोनेंट दो कर लिए, ये वी डब्ल्यू टू और वी एफ टू। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एब्सोल्यूट वेलोसिटी का व्रिल वेलोसिटी कहा जाता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है, आई विल डिक्टेट इन डिटेल, ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर, और वी कैन से दैट व्हेन वी विल टीच एक्सियल फ्लो रनर, ठीक है, रनर, देन आई विल डिस्कस, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कि वी डब्ल्यू टू और ये फ्लो व्रिल वेलोसिटी और फ्लो वेलोसिटी क्या होती है, उनको मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। अभी आप केवल ये देख लो कि ये इसका नाम है वी डब्ल्यू टू का, ये ओरिजिनल कंपोनेंट का व्रिल वेलोसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट का बेटा क्या नाम है, फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो आपको आना चाहिए, इन सब के नोटेशंस, क्योंकि ये सभी पूछता है, अब आपको ये फिर पता, ठीक है, ये बनाना आना चाहिए। अगर बना लिया तो ये तो लिख ही दोगे, आपको दिख ही रहा है सारी चीजें, वही मैंने लिख दी है जो ट्रायंगल्स में दिख रही। अगर आप वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेते हो एंट्री पर और एग्जिट पर, तो आपका क्वेश्चन यू सॉल्व हो जाएगा बेटा चुटकियों में, ठीक है। चलिए आप ऐसा करो कि एक बार इसको नोट कर लो, क्योंकि कुछ चीजें मुझे इरेज करनी पड़ेंगी यहाँ पे, ठीक है, डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अभी बोर्ड भर गया, एक बार मैं ये देख लूं टोटल कवर हो रहा है कि नहीं इसमें, ठीक है, ओके, नो इशू ऑफ लेफ्टिंग एनी टॉपिक्स, ठीक है, ओके डियर। तो पॉज करो और इसको क्या करो बेटा, नोट करो, ठीक है।
ठीक है, तो आई होप यू हैव नोटेड इट, यू हैव पॉइंटेड इट एंड नोटेड इट। ठीक है, तो कुछ चीजें बस यहाँ पे डिलीट करूंगा, यहाँ पे आपने इधर से लिख लिया होगा इसको। अब देखो इधर, और जो कोई दिक्कत है अगर नहीं लिख पाता है तो बेटा क्या करोगे, आप अभी पॉज कर लो वीडियो को, फिर उसके बाद लिखो, तब प्ले करना, ठीक है, लिखने के बाद, क्योंकि टाइम लगता है, डायग्राम बनाओगे, सारी चीजें आप करोगे। एक बार देखो आप क्या करो, एक बार ऐसे इसको देख लो पूरे वीडियो को, ठीक है। देखने के बाद दोबारा आप क्या करो, दोबारा जब डायग्राम वगैरह बनाओ तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने बनाया था उसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बनाओ। ऐसे नहीं है कि अब ये पूरा दिख रहा है तो अब ये इसको छाप दो कि ये ब्लेड बना लिया, क्योंकि देखो अगर क्लास में होते तो ऐसे ही बनाना पड़ता, बैक में आप नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ आपके पास यू हैव ऑप्शन टू रिपीट वीडियो एंड बैक वीडियो, ठीक है। तो यहाँ बैक कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो उसको वीडियो को, तो जैसे हम बना रहे थे उसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो, तो और ज्यादा क्लियरिटी होगी दोबारा देखोगे वीडियो को, तो ठीक है। कहने का मतलब बेटा, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है तो ये सबसे टफ टॉपिक है आपका, या सबसे टफ सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक मशीन, बीटेक लेवल में इसकी क्लियरिटी बनाना, ठीक है, या पॉलिटेक्निक लेवल में इसकी क्लियरिटी को समझना है, क्लियरिटी बनाना इस टॉपिक का क्या है, बहुत ही टफ है, क्योंकि मैकेनिक्स का कंसेप्ट यूज होता है, वेक्टर वगैरह कंसेप्ट यूज होता है, हर चीज हर कंसेप्ट यूज है इसमें, ठीक है। चलिए अब मैं एक्स डायरेक्शन, चलो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मास फ्लो रेट, जो यूजफुल मास फ्लो रेट है, तो किस वेलोसिटी से बेटा हिट कर रहा है, VR1 से। तो जो हमारे लिए मास फ्लो रेट, जो यूजफुल मास फ्लो रेट होगा वो क्या होगा बेटा, रो ए VR1, ठीक है। तो याद रखना ये कौन सी वेलोसिटी ली जाती है मास फ्लो रेट में बेटा, जिस वेलोसिटी के साथ वाटर क्या करेगा, हिट करेगा, ठीक है। तो VR1 कौन सी V1 नहीं लिया जाएगा, कौन सी वेलोसिटी ली जाएगी डियर, VR1, ठीक है। कौन सी वेलोसिटी, कौन सा हमारा मास फ्लो रेट या इस पे जो वो करेगा, वर्क करेगा, वो कौन सा करेगा बेटा, जो हिट करेगा, वो जो हिट ही नहीं कर रहा है वो वर्क कैसे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना रो ए VR1 एम डॉट की वैल्यू यहां पे रहेगी, ठीक है, जैसा कि हमने मूविंग प्लेट में बात की थी, ठीक है। चलिए FX, जेड के द्वारा एक्स डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स, तो क्या होता है बेटा, जेड के द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स, या कह सकते हो फोर्स अप्लाइड बाय द जेड ऑन द प्लेट इन एक्स डायरेक्शन, वी नो दैट मास फ्लो रेट पर सेकेंड, सॉरी मोमेंटम पर सेकेंड एट एम डॉट V1, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन वी कैन नॉट राइट इन दिस वे एम डॉट V1 टू वी नो दैट V1 इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है। सो इट द ओनली, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड। कहने का मतलब यह बेटा कि यहां पे मैं ऐसे m डॉट v1 माइनस m डॉट v2 नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं x डायरेक्शन में फोर्स लिख रहा हूं, तो ये तो मैंने जो v1, ये v1 नहीं है बेटा यहां पे, ठीक है, ये मैंने एक जनरल टर्म पे कि इनिशियल मास फ्लो रेट, ठीक है, माइनस ऐसे करके कुछ फाइनल मास फ्लो रेट, सॉरी मोमेंटम पर सेकेंड, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन x डायरेक्शन। चलिए अब लिखते हैं उसी को, ठीक है, जो एक्चुअली यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी, ग्राउंड पे आप बैठे हो, ऑब्जर्वर कहाँ है बेटा, ग्राउंड पे, तो एक्स डायरेक्शन में उसको इनिशियल मोमेंटम क्या दिखेगा, ग्राउंड पे होगा तो क्या दिखेगा बेटा उसको, VW कौन सी वेलोसिटी दिखेगी, ये कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में दिखेगी, ये उसका एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट ये, तो क्या हो जाएगा बेटा एम डॉट VW1, ठीक है, माइनस एम डॉट, यहां क्या दिखेगा एक्स डायरेक्शन में एब्सोल्यूट वेलोसिटी कंपोनेंट ये VW2, अब बेटा VW2, लेकिन VW2 की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो m डॉट VW2, हेयर FX इक्वल टू m डॉट कॉमन ले लो VW1 माइनस माइनस प्लस VW2, ठीक है। तो FX क्या आ गया बेटा m डॉट VW1 प्लस VW2, और अगर इसको डिटेल में लिखोगे तो हेयर रिप्लेस m डॉट, हेयर m डॉट We know that m dot equals to rho a VR1, ठीक है, और we can say that VW1 plus VW2, ठीक है, ठीक है बेटा। Now force in y direction, in y direction then we have to take the component of velocity in y direction. Here observer is the at the ground and observer C. Y direction, component of y direction of absolute velocity is the VF1,
ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनिशियल मास फ्लो रेट और मोमेंटम पर सेकंड माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकंड क्या जाएगा एफ वाई। तो वाई डायरेक्शन लगा रहे हैं तो एम डॉट और वाई डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है बेटा वी एफ वन माइनस एम डॉट क्या हो जाएगा बेटा ये माइनस ऑफ वी सॉरी अब देखो ये डायरेक्शन ऑफ वी एफ वन एंड वी एफ टू बोथ आर सेम। कहने का मतलब वी एफ वन और वी एफ टू की डायरेक्शन क्या है बेटा सेम है तो यहाँ कोई भी माइनस वगैरह ये नहीं आएगा तो माइनस नहीं आएगा तो हमारा जो एफ वाई है वो क्या आ जाएगा रो ए वी आर वन वी एफ वन माइनस वी एफ टू। ठीक है कहने का मतलब बेटा कि जब भी आपने देखा था कि जब भी फ्लो स्टेशनरी वेन था या कर्व वे स्टेशनरी वेन की टिप पे हिट करे या मूविंग वेन की टिप पे हिट करे हमारे पास एक क्या आता है वाई डायरेक्शन में भी फोर्स आता है। ठीक है बेटा और ये क्या है एक्स डायरेक्शन में फोर्स। अब मैं बात करूं वर्क डन तो वर्क डन क्या होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अब देखो पर सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटा इसका वेन का एक्स डायरेक्शन में यू लेकिन यू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर सेकंड। तो हमें जो वर्कडन मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा रेटेड वर्कडन और कह सकते हो वर्कडन पर सेकंड। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यू पर सेकंड। ठीक है हियर हियर इट इज द ये बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या किस तरह का डिस्प्लेसमेंट रेटेड डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यू तो एक सेकंड में वर्कडन तो वर्कडन पर सेकंड की मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा fx into u वी नो दैट fx इक्वल्स टू रो ए वी आर वन और एम डॉट कह सकते हो रो ए वी आर वन वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू इट इज द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन पर सेकेंड और वी कैन से दैट पावर। ठीक है पावर जनरेटेड ऑन दिस प्लेट ऑन दिस कर्व वेन। ठीक है बेटा तो ये ध्यान रखना कि ये सारी चीजें ठीक है तो वर्क डन पर सेकंड यही निकालना रहता है हमें इसी यही ड्राइव करना है। तो वर्क डन पर सेकंड कितना आ जाएगा रो ए वी आर वन या एम डॉट आप कह सकते हो एम डॉट वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू और यूनिट क्या हो जाएगी बेटा न्यूटन मीटर पर सेकंड। ठीक है और क्या कह सकते हो वाट कह सकते हो इसको और जूल पर सेकंड। ठीक है बेटा तो ये आप नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल कुछ नहीं है एफ एक्स निकालना है x डायरेक्शन में इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा दो fy निकालना है y डायरेक्शन में इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा दो वर्क डन बराबर हम बिलो दैट वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सो वर्क डन हियर इज द बट वी हैव नॉट एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट वी हैव रेटेड डिस्प्लेसमेंट सो वी गेट रेटेड वर्क डन। रेटेड वर्क डन मींस वर्क डन पर सेकंड और वर्क डन पर सेकंड इज आल्सो नोन एज द पावर। ठीक है तो वर्कडन कहे चाहे पावर कहे आपको ये फॉर्मूला लगाना है रो ए वी आर वन वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू इंटू यू। ठीक है बेटा तो नोट कर लो इसको। ठीक है तो आपने पॉज कर लिया होगा बेटा इसको नोट कर लिया होगा आगे चलते हैं। ठीक है आगे क्या है ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया इसमें एक नोट करके लिख लीजिए हेड डालो नोट। ठीक है नोट में लिखिए फॉर शॉकलेस एंट्री एंड एग्जिट फॉर शॉकलेस एंट्री एंड एग्जिट फॉर शॉकलेस एंट्री एंड एग्जिट वी आर वन सॉरी डायरेक्शन ऑफ VR1 and VR2 direction of VR1 and VR2 should be tangential to the vein. फिर से सुनिए for shockless entry and exit direction of VR1 and VR2 should be tangential to the vein. ठीक है ओके डियर। ठीक है बेटा नेक्स्ट केस नेक्स्ट के क्लास में डिस्कस करेंगे। अब देखो बेटा हमने पहले आपको बताया था कि जब भी कोई जेट वेन के टिप पे हिट करे
तो वेन सिमेट्रिकल भी हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अब देखो यहां मैंने थीटा फाई बताया, अगर थीटा हेयर थीटा इज इक्वल टू अगर फाई हो जाए तो क्या हो जाएगा, वेन सिमेट्रिकल वेन हो जाएगा, ठीक है सिमेट्रिकल वेन। और अगर थीटा इज नॉट इक्वल टू फाई है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये अनसिमेट्रिकल वेन। तो अगर उसने कह दिया है कि सिमेट्रिकल वेन है और इसको सॉल्व करो, तो आप क्या लेके चलना है बेटा कि थीटा इक्वल टू फाई, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें कहां यूज होती है, कभी कभी वो आपको डेल्टा दे दिया, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन, और आपसे पूछ रहा है कि ये V1 पूछ रहा है, VW1 पूछ रहा है, VF2 पूछ रहा है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपके पास कुछ ये डेटा है, सिमेट्रिकल है, तो हम क्या ले लेंगे थीटा इक्वल टू फाई, तो यहाँ थीटा इक्वल टू फाई रख दोगे डेल्टा बराबर 180 माइनस थीटा इक्वल टू फाई में, ठीक है। तो 180 डेल्टा बराबर क्या होता है बेटा, 180 माइनस थीटा प्लस फाई, तो आप क्या ले लोगे उसको 2 थीटा, तो वहां से क्या आ जाएगा थीटा की वैल्यू आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कुछ अननोन की वैल्यू आप उसकी हेल्प से निकाल सकते हो। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है, कि सिमेट्रिकल वेन है तो अगर टिप पर जेट हिट करता है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वेन कैसा भी हो सकता है, सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। देखो ऑब्जेक्टिव में क्या पूछे जाते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव में अभी आने वाले हैं चीजें, ठीक है। VW1 क्या होता है, VF2 क्या होता है, फोर्स का ये इक्वेशन ही लिख दिया कि ये बता वर्क डन पर सेकंड इस केस में जेट स्ट्रक्चर टिप ऑफ मूविंग वेन में क्या होगा, मास फ्लो रेट क्या होगी, ठीक है ठीक है। और ये सब चीजें स्टेटमेंट वाइज कई बार क्वेश्चन होते हैं, ये सब पूछता है कि फॉर शॉकलेस एंट्री और एग्जिट के लिए थीटा जीरो होना चाहिए, ठीक है, या ऐसे करके कहेगा अल्फा टेंजेंशियल अल्फा होना चाहिए, टेंजेंट का एंगल थीटा होना चाहिए, फाई बीटा, ठीक है। तो शॉकलेस एंट्री और एग्जिट के लिए हमारा जो टेंजेंट एट टिप का एंगल थीटा होना चाहिए और टेंजेंट एट टिप एट एग्जिट क्या होना चाहिए बेटा, फाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, थैंक यू डियर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।